हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर के ढेर सारे शुभकामनाएं। आपकी जो आशा है और ड्रीम है वो जरूर हमारे जो 2022 है उसमें आपका पूरा हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को कहने पे मैं फिर से लेकर आया हूँ नागिन डांस का पार्ट टू। और आप समझते हैं कैसे कैसे क्लिप को कलेक्ट की जाती है, समझ रहे हो आप? तो दोस्तों, मैंने आपकी अमेजिंग और मतलब यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। आप जरूर इस वीडियो को देखें, पूरी देखें और इस जो नागिन का जो रोस्टिंग है अब उसका मजा लें। तो भी दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि हमारा जो पहला जो नागिन डांस है वो है दो बंदा आपस में नागिन डांस कर रहे हैं। और दोस्तों, और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो नागिन की धुन होती है, धुन सबसे हटके होती है। ये धुन ऐसी होती है जहां पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसे ही दो बंदा नागिन डांस कर रहा था, ये देखिए। और इस सोना तू हमारा दस ली रे, हाँ अब देख हम तोरा दस छो। अबे साले तू चुप, नहीं 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 मत कर यार, अभी झगड़ा करने का झगड़ा हो रहा, मजे से झगड़े देखेंगे बाद में, नहीं 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 करेंगे ना जी, अभी लड़ो भाई लड़ो। बड़ा हरामी हो बेटा। हरामी नहीं हो, सराफत का जमाना नहीं है तो इसलिए भाई छुड़ाने से अच्छा है ना मजे से देख लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हैं या खुद को एंटरटेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से ये बंदा मोटू, मतलब उतना मोटा भी नहीं था यार, देखिए किस प्रकार अध नंगा, मतलब आधा, आप समझ पा रहे हैं? हाँ समझ पा रहे हो, ज्यादा बता मत। अबे बता, बताने तो दे यार, वो तो देख के पता चल जाएगा। देख लीजिए आप खुद ही। ये जो आदमी है ये लुढ़क लुढ़क के गुरक गुरक के क्या कर रहा है कुछ समझ से बाहर है, लेकिन ये क्या भाई? अरे यार भाई एक बात बोलूं यार, तुम तो नागिन डांस से बिल्कुल नहीं सक रहे हो, कम से कम नागिन डांस कर लेता यार, हम जैसे लड़कियों को था इज्जत तो बचा लेता यार। हाँ ये क्या यार, तुम यदि ऐसे डांस करोगे तो फिर हमारे जो श्रीदेवी जी है उनका डांस का क्या होगा? बेहुद्दा गई का गजब बेइज्जती है यार, बेइज्जती तो करवा रखे हो यार, आप क्या करवाओगे? कुछ बचा हुआ है वो भी उतरवाओगे क्या? बंद कर मेरा भाई, बंद कर। चले इसी बात पे एक भाई साहब है जो इनको कुछ कहना चाहते हैं, बोल दीजिए, अपने दिल का ब्रास निकाल दीजिए, जब बाद में सलाम तो फिर बोलेगा, बोल दीजिए। चल बोलने के। हाँ ये बिल्कुल ही मजा आ गया इनका बात में, साला निकल बोस लीजिए मोगेम्बो, खुश हुआ। तो दोस्तों, हमारे चलते नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि दोस्तों, आपको पता होगा जब यदि सांप केचुआ तोता तो उसे बड़ी 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 परेशानी होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। इसी प्रकार की तकलीफ इस ससुरे को हो रही है, पता नहीं, चले देखते हैं।
लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है यार, ये जो नागिन का जो धुन होती है ना यार, इस धुन को देख के अच्छे अच्छे के फट जाता है। तो दोस्तों इस बंदे के बारे में क्या कमेंट है आप प्लीज जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और नए तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि यदि आप नागिन डांस करते हैं तो सड़क के साइड में कीजिए, यदि सड़क को बीचों बीच करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दर्द हो रहा है ना बेटा, जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। नहीं नहीं नहीं, इस बंदे को दर्द नहीं हो रहा है यार, ये तो नागिन डांस का भूत है जो अभी तक इसका शरीर से उतरा नहीं है। ये देखिए बंदे को ठोक दिया, उसका बावजूद भी कहीं और जाके खड़े होके डांस हो रही है। चलिए देखते हैं। लेकिन एक चीज से प्रूव हो रही है, हमारे भारत की ये जो नागिन का जो धुन है जिन लोगों ने बनाया, उन लोगों के यार इन टोपों का सलाम। सच में मजा आ गया यार, ऐसा धुन जो आपको मतलब पागल कर देती है यार। एक्सीडेंट हो गया ससुरा का, उसका बावजूद भी ना भाई नागिन का धुन में हम तो भाई डोलेंगे, हिलेंगे, डांस करेंगे और क्या। तो फिर चलो दोस्तों चलते अगले वीडियो में। दोस्तों हमारे भारत में नागिन डांस का जैसे ही म्यूजिक जब बजने लगती है ना, तो क्या होता है कि अंदर के जो हैवान है वो बाहर निकल जाता है, अंदर में जो आपको जो नाग लोग होता है वो बाहर निकल जाता है। कुछ इसी प्रकार इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार से एक बंदे ने धरती पे उंगरा टुंगरा के देखिए किस प्रकार से जीभ निकाल रहे हैं। अरे बाप रे, इसका इस प्रकार का जीभ निकालना साला, मतलब आप समझे रियल में जो होती है सांप नागदेव या तो फिर नागिन वो लोग भी आज रहता ना, तो सच में बोलता हूँ इन लोगों को देखकर फिर से ही चला जाता। वेल डन वेल डन वेल डन। वाह यार हद है। चल बोजड़ी के। इसी गाली का लाइक हो यार, मेरे दिल की बात ये भाई साहब ने बोल दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ऐसा ही है। तो दोस्तों आशा करते कि हमारे ये जो रोस्टिंग है वो आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अच्छा लगने से प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यदि दोस्तों अच्छा लगने से फिर से मैं इसका पार्ट 3 निकालूंगा, तो वेट एंड वॉच। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।